हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 हाईएस्ट सीपी पोकेमोन पोकेमोन गो में। तो गाइस, इसमें हम लोग पोकेमोन गो में 10 ये जो हाईएस्ट सीपी पोकेमोन है इनके बारे में बात भी करेंगे, प्लस इनको आप कैसे कैसे पकड़ सकते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप लोग भी पोकेमोन गो खेल ही रहे हो तो गाइज़ आप लोग भी टॉप 10 तो नहीं बट टॉप 5 हाई सीपी पोकेमोन गैस कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं गाइस नीचे। प्लस आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो, अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले गाइस हम लोग चलते हैं टॉप 10 की तरफ। टॉप 10 पे गाइस आपका पोकेमोन आता है गार्चोम्प। गार्चोम्प ये पोकेमोन गाइस आपके जाता है 3962 तक हाईएस्ट सीपी गाइस। तो मेरा गार्चोम्प भी 100 आईवी का नहीं है तो ये 3962 तक नहीं जा पाएगा। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ तो ये कितना जा रहा है आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो ये आपका मुश्किल से गया है 3884। अगर ये 100 आईवी का होता तो ये था 3962 तक गाइस। इसके आगे बढ़ेंगे गाइस तो गार्चोम्प आपका रैंक 10 पे आता है। अब गार्चोम्प पकड़ा कैसे जाता है, गार्चोम्प गिब्बल से इवॉल्व होता है तो आप 10 किलोमीटर से हैच कर सकते हैं या फिर किसी इवेंट का वेट कर सकते हैं। गार्चोम्प के बाद गाइस सीधे आपका आता है 9 नंबर पे पालकिया। पालकिया गाइस ये एक लेजेंडरी पोकेमोन है और इस पोकेमोन की जो सीपी गाइस वो मैक्स जाती है 3991। तो वैसे ये भी मेरा 100 आईवी का नहीं है तो ये 3991 नहीं जाएगा बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मैक्स करके दिखाता हूँ कि लेवल 40 तक हम लोग कितना लेके जा सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी पोकेमोन की सीपी बता रहा हूँ वो लेवल 40 तक है गाइस, लेवल 50 तक नहीं है। तो ये गाइस आपका जा रहा है 3910। अगर ये 100 आईवी का होता तो ये तो 3991 तक चला जाता गाइस। पालकिया पकड़ने का अभी तक कुछ ही सोर्स है, जैसे कि कोई रिसर्च मिल जाएगी तो उससे आपको मिल सकता है, अदरवाइज ये आपको मिल सकता है गाइस रेट्स में। जब भी इसकी रेट्स आएगी आपको मिल जाएगी, उसके लिए गाइस आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस चैनल पे हम लोग गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते हैं, लाइव स्ट्रीम भी करते हैं तो आपको रेट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये हो गया आपका रैंक 9 पे। रैंक 8 पे गाइस आपका आता है डियाल्गा। डियाल्गा गाइस रैंक 8 पे आता है, इसकी हाईएस्ट सीपी आती है 4038। तो ये सारे मैं जो पढ़ के बता रहा हूँ ये एक वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है pokemon.gameinfo.io। तो गाइज़ ये भी 100 आईवी का नहीं है मेरा पोकेमोन तो ये जाएगा आपका मैक्स 4011 जा रहा गाइज़ मेरा। अगर ये मैक्स होता गाइज़ 100 आईवी का होता तो ये था गाइज़ 4038। इसके बाद गाइज़ आपका आता है रेशीराम। रेशीराम की भी हाईएस्ट सीपी यही है 4038। तो गाइज़ वो भी आपको दिखा देता हूँ। रेशीराम की गाइज़ रैंक हम लोग 7 दे रहे हैं और इसकी भी हाईएस्ट सीपी उतनी ही जाएगी। रेशीराम के बाद आपका आता है जैक्रोम। जैक्रोम की भी गाइस हाईएस्ट सीपी 4038 है। अब कहने की बात ये कि इनकी तीनों की सीपी सेम है बट रैंक ऊपर नीचे क्यों है, तो उसके पीछे गाइस एक ही रीज़न है, इनके यूज़ होते हैं गाइस, वो मेन रीज़न है इनकी वीकनेस और इसकी वजह से हम लोगों ने इनकी ये रैंक दे रखी। रैंक 5 की तरफ चलते हैं गाइस। तो रैंक 5 पे गाइस आपका आता है वाटर टाइप पोकेमोन जो कि है क्योगर। क्योगर गाइस आपका हाईएस्ट सीपी आता है 4115। ये इसकी हाईएस्ट सीपी जाती है गाइस। अगर आपके पास 100 आईपी का पोकेमोन है क्योगर तो आप उसको 4115 तक कर सकते हैं। ये लेजेंडरी पोकेमोन से ये सिर्फ आपको रेट्स में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्योगर के बाद आपका आता है ग्राउडोन। ग्राउडोन की भी गाइस मैक्स सीपी यही रहती है 4115 गाइस। तो ग्राउडोन आपका ये रहा पोकेमोन, शाइनी वेरियंट में भी अवेलेबल है गाइस। ग्राउडोन रैंक 4 अचीव करता है गाइस। उसके बाद आपका आता है रैंक 3 पे गाइस। रैंक 3 पे जो पोकेमोन है गाइस वो बहुत ज़्यादा फेमस है और मैक्सिमम लोग उसी पोकेमोन को कैच करने की कोशिश करते हैं, या फिर पोकेमोन गो में अगर कोई बंदा नया है और उसको लेजेंडरी पोकेमोन्स के बारे में नहीं पता है तो उसको सिर्फ एक यही पोकेमोन है जिसके बारे में पता होगा। अगर आप लोग गैस कर पा रहे हैं तो कमेंट कर देना। तो गाइस रैंक 3 पे हाईएस्ट सीपी पोकेमोन है गाइस आपका म्यूटू। सो गाइस म्यूटू एक ऐसा पोकेमोन है जो कि हाईएस्ट सीपी पोकेमोन जाता है। इसके अटैक्स भी हाईएस्ट ही चले जाते हैं, मैक्सिमम अटैक गाइस म्यूटू के ही चले जाते हैं। वैसे और भी पोकेमोन है बट अभी हम लोग म्यूटू के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइस म्यूटू का जो हाईएस्ट सीपी है गाइस वो है 4178 गाइस।
तो ये गाइस बहुत ज़्यादा हाईएस्ट चला जाता है और इससे बैटल करना मुश्किल हो जाता है कभी कभार अगर ये मैक्स पोकेमॉन आपके सामने आ जाए तो, क्योंकि इसके अटैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे आपका आता है नंबर 2 पे गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों की कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग क्या कमेंट करने वाले हो। नंबर 2 पे हाईएस्ट सीपी पोकेमॉन कौन सा हो सकता है? तो गाइस आपको गैस करना है, मैं आपको सीपी बोलता हूँ, सीपी कितनी होती है? 4346। तो गाइस सीपी है 4346 गाइस। तो 4346 पे ऐसा कौन सा पोकेमॉन है गाइस? और ये पोकेमॉन ऑप्टेनेबल नहीं है, मतलब ये पोकेमॉन पकड़ सकते हो बट ये नॉन ऑप्टेनेबल पोकेमॉन की लिस्ट में आता है। और ये पोकेमॉन की रेट्स भी बहुत रेयर हैं गाइस, मतलब ये लास्ट टाइम जो आया था वो आया था एक्स रेड में और उसके बाद ये अभी तक नहीं आया है। ये वो पोकेमॉन है गाइस जो कि लास्ट एक्स रेट्स में आया था। सो गाइस कमेंट करना, मैं जानना चाहूँगा क्या है। तो एनीवेज आप लोगों ने कमेंट किया नहीं किया मुझे नहीं पता, बट इस पोकेमॉन का नाम है गाइस रेगिगिगास। तो रेगिगिगास की जो मैक्स सीपी है गाइस वो बहुत ज़्यादा है गाइस, 4346। सो गाइस ये है आपका सेकंड रैंक पे हाईएस्ट सीपी पोकेमॉन। अब आप लोग सेकंड वाले को जब जज नहीं कर पाए बट फर्स्ट वाले को आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला पोकेमॉन गाइस आपको वाइल्ड में अवेलेबल है गाइस, आप उसको इजीली पकड़ सकते हैं। मेरे पास रेगिगिगास नहीं है बट जो हाईएस्ट सीपी पोकेमॉन है गाइस वो मेरे पास है। पोकेमॉन को मैं इससे ज़्यादा भी ऊपर सीपी के पोकेमॉन आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है गाइस, तो इसीलिए ये पोकेमॉन रैंक 1 लेता है। आगे इन फ्यूचर इससे ऊपर भी पोकेमॉन आएंगे गाइस, नो डाउट। अगर आप सोच रहे हैं कि आरकेएस की बहुत ज़्यादा सीपी हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं गाइस आरकेएस की जो मैक्स सीपी होती है गाइस वो है 3989 और इसके अटैक्स म्यूटू से कम है। तो आरकेएस गॉड है पोकेमॉन्स का, बट मैंने यहाँ लिस्ट पर देखा तो आरकेएस नंबर 1 पे नहीं आता। अगर पोकेमॉन को मैं आ भी आता है तो भी वो नंबर 1 पे नहीं आता है। ऐसे और भी पोकेमॉन है जो आरकेएस से ज़्यादा सीपी रखते हैं, ये सारी सीपी लेवल 40 तक की है। तो गाइस रैंक 1 पे कौन सा पोकेमॉन आता है फटाफट से कमेंट करो और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको सबसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा रैंक 1 पे कौन सा पोकेमॉन हो सकता है। एग्जैक्टली गाइस रैंक 1 पे आपका है गाइस स्लैकिंग। स्लैकिंग की मैक्स सीपी जाती है गाइस 4431, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, मैक्स सीपी पोकेमॉन है गाइस। तो ये हमारा है आज की वीडियो में गाइस टॉप 10 हाईएस्ट सीपी पोकेमॉन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी लोग नए पोकेमॉन घूमे हैं, और अगर इस वीडियो में कुछ भी नंबरिंग गलत है तो आप कमेंट कर देना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस।